इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, इंडियन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव संघर्षी। आज मैं मौजूद हूं कन्नौज सदर में बनी हुई काशीराम आवास जो कॉलोनी बनाई गई वहां पर मौजूद हूं। यहां पर पानी की इतनी समस्या है कि आप देख सकते हैं बराबर हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। आज 5 दिन हो गए मगर कोई भी नगर पालिका ने सुनवाई नहीं की है। यहाँ पर जो ऑपरेटर लगाए गए हुए हैं वो भी इस पर कोई भी गौर नहीं कर रहे हैं। यहाँ की जनता से जानना चाहूँगा क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? कब से पानी नहीं आ रहा? 7 दिन हो गए भैया। क्या नाम है? मोदी बोल तो सीधे पानी कितने दिन पानी नहीं आया? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन पानी नहीं आया। ऐसे बराबर ऐसे लाइन लगा के आप लोग पानी भर रहे हैं? आप बोलिए तो पगलिया ज्यादा आदमी। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की 5-6 दिनों से यही दिक्कत है, मारामारी है पानी के लिए। 3-3 मंजिल से आदमी पानी यहाँ से भर के ले जाता है, लाइन लगाता है, मगर यहाँ पर किसी प्रकार की नगर पालिका यहाँ पर गौर नहीं कर रही है। हमारे साथ ऑपरेटर हैं जो कि यहाँ पर जिनकी नियुक्ति है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि अगर 5-6 दिनों में जो पानी की दिक्कत चल रही है, आपने इसकी सूचना नगर पालिका दी और क्या हुआ? सूचना देना क्या, एक बार मोटर खुल चुकी है, दोबारा फिर वो आ रहा है। आप इंजीनियर ना जो क्या वजह क्या है? वजह क्या, पाइप की समस्या है, मोटर चलाई नहीं चली। आपने नगर पालिका को इसकी सूचना दी थी? अड्डे जी की थी शाम को। चेयरमैन को तो देखिए, यहाँ पर यहाँ से निवासी मौजूद है, मैं उनसे क्या नाम है भैया? सुनील जी, क्या है समस्या, क्या चल रही है? 7 दिन से नहा हूँ, दे दो नहाया नहीं, नहाया नहीं, 7 दिन से पानी नहीं पिया, नहाया नहीं, लेटरिन नहीं गया, पानी नहीं तो क्या करें? बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पानी की समस्या। 3-3 मंजिल आदमी कैसे ले जाएगा पानी? 3-3 मंजिल कैसे आदमी ले जाएगा? और बहुत बड़ी समस्या है। कन्नौज से इंडियन टीवी के लिए सुनील श्रीवास्तव संघर्षी की खास रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।